हाय फ्रेंड्स, आपको लगता है शेयर मार्केट इज़ गुड फॉर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी? इफ़ योर आंसर इज यस, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। नीचे मैंने लिंक दिया है एंजल ब्रोकिंग का, उसको क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए एंड आज ही ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। बट ट्रेड करने से पहले डोंट फॉरगेट टू डू प्रॉपर रिसर्च एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग। चलो अभी आज के वीडियो में क्या है, लास्ट वीडियो जो मैंने आपको दिखाया था या मैंने आपको बना के दिया था, उसमें मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं उसके बारे में बेसिक जानकारी दी थी। आज अब देखने वाले हैं कि फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए फटाफट देखते हैं इस छोटे से वीडियो में कि फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे होता है। एंड एंड में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि शेयर्स और फ्यूचर्स में फ़र्क क्या है। चलो, सो फ्यूचर में तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, एक नियर मंथ एंड एक फार मंथ। मैंने अज्यूम किया कि लेट्स से यू आर इन द मंथ ऑफ मे, तो इफ़ यू बाय मेज फ्यूचर इट्स अ करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप बाय करेंगे जून फ्यूचर इट्स अ नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, एंड अगर आप जुलाई का बाय करेंगे तो इट्स अ फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। और वो ऐसे आपको दिखेगा, बजाज फाइनेंस मे फ्यूचर, बजाज फाइनेंस जून फ्यूचर, बजाज फाइनेंस जुलाई फ्यूचर। अभी ये कहाँ पर मिलेगा? ये एंजल ब्रोकिंग का ऐप आपने डाउनलोड किया उस पर आपको दिखेगा या उसके वेबसाइट पर भी दिखेगा। सो फटाफट लिंक को क्लिक करके आज अपना अकाउंट ओपन कीजिए एंड समझदारी से ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। नाउ अभी इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कैसे करते हैं, इसका एक लॉट प्राइस होता है, लॉट साइज होता है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। ये लॉट साइज स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है। तो मैंने अज्यूम किया है कि लॉट साइज का 500 रहेगा एंड जो फ्यूचर प्राइस है करेंट नो उसका 100 रुपीज़ होगा। सो इतना आपको पैसा दे के ये लॉट खरीदना है, ठीक है। सो देर इज सम मार्जिन मनी दैट यू हैव टू पे पर शेयर मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज। लॉट साइज कितना होगा ये सब स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है और उतना पैसा देके आप उसको खरीद सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मार्जिन मनी, जो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। नाउ अभी जानते हैं कि एग्जैक्टली आगे क्या होगा। फिर अभी इमेजिन करो, मेरे को लगता है कि मई महीने में इसका प्राइस 1000 रुपीज़ हो जाएगा, करेक्ट ना? मेरे को लगता है कि जो आगे जाके प्राइस कितना होगा 1000 रुपीज़ हो जाएगा। नाउ अभी एक्सपायरी प्राइस में तीन पॉसिबिलिटीज़ है, या तो कम हो सकता है, या तो बढ़ सकता है, या सेम रह सकता है। तो मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट लिया अज्यूमिंग दैट कि मैं ये प्राइस 1000 रुपये होगा और 1000 रुपये मैं खरीद लूँगा। तो ऐसा मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट पे प्राइस 1000 रुपये हो जाएगा। अब इसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ है, ये प्राइस कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो देखते हैं इसमें मेरा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। नाउ अभी ये जो स्पॉट प्राइस है ये जैसे चेंज होगा वैसे फ्यूचर का प्राइस भी क्या होगा, चेंज होगा, करेक्ट ना? जैसे मार्केट में सेंटीमेंट चेंज होंगे ये प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है। अभी मई का मैंने प्राइस लिया है, आज का प्राइस 1000 रुपया है, मतलब आज मैंने 1000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। एज्यूमिंग दैट आज मैंने मार्जिन मनी पे किया है, मेरे को लगता है कि एक्सपायरी डेट पे प्राइस 1000 रुपया होगा। क्या लगता है मेरे को? एक्सपायरी डेट पे मई के एंड में लास्ट थर्सडे प्राइस 1000 रुपया होगा। तो आज मैंने लॉट साइज इंटू सम प्रीमियम अमाउंट ये पे करके मैंने खरीदा है। अभी देखो तीन पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई है। पहला, अगर एक्सपायरी पे प्राइस 1010 हो गया तो मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट 1000 रुपये का लिया था कि मैं 1000 रुपये में बाय करूंगा। तो अगर मैं 1000 रुपये में बाय करता हूं तो मेरे को इमीजिएटली 10 रुपये क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो उस समय का अगर स्पॉट प्राइस अपने फ्यूचर के प्राइस से ज़्यादा होता है तो मेरा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने मई महीने में कॉन्ट्रैक्ट क्या अज्यूम करके लिया था कि प्राइस 1000 रुपीज़ होगा, लेकिन प्राइस तो 1010 हुआ है। तो इफ़ आई बाय कॉन्ट्रैक्ट एट 1000 मेरा तो 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। दूसरा, अगर 9:30 हो गया, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट 1000 से बाय करने का देखा दिया था, तो मैंने 1000 से अगर बाय किया कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा 70 रुपये का क्या होगा, लॉस होगा। एंड अगर वो इक्वल होता है 1000-1000 होता है तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो ऐसे फ्यूचर में तीन पॉसिबिलिटीज़ है। तो आज जब आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं उससे प्राइस बढ़ता है तो फ़ायदा है, कम होता है तो लॉस है, एंड नो चेंज होता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, अभी जब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा इसमें तीनों में एक कॉमन कॉस्ट आपको इनकर करना है, वो है मार्जिन मनी। तो मार्जिन मनी जो आप देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम, वो आपका कंफर्म कॉस्ट है। तो उस कॉस्ट में से आपको आपका प्रॉफिट माइनस करना है ताकि आपको नेट फ़ायदा मिले, ताकि आपको क्या मिले, नेट फ़ायदा मिले। सो ये जो मार्जिन मनी आपने दिया है फ्यूचर खरीदने के लिए वो आपका कन्फर्म कॉस्ट है। वो प्रॉफिट है तो कम होगा, लॉस है तो फिर वो ओवरऑल और बढ़ेगा। एंड कुछ भी नो चेंज नो प्रॉफिट नो लॉस है तो फिर वो तो आपका कॉस्ट है। तो ये आपको एडजस्ट करके नेट प्रॉफिट नेट लॉस पता चलेगा। तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली लॉस भी बढ़ सकता है या
कम भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द प्राइस। नाउ ये था बेसिक रिगार्डिंग फ्यूचर ट्रेडिंग, आगे अपन और डिटेल में पढ़ने वाले आने वाले वीडियो में। मैं धीरे 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 वीडियो एडवांस लेवल पे बिल्ड करते जाऊंगा ताकि जो लोग नए हैं उनको एकदम दिक्कत ना हो। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सिर्फ एग्जैक्टली फिर शेयर ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है ये थियोरेटिकली हमको समझा, और डिटेल में पढ़ना बाकी है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है। एज अ इन्वेस्टर, मैं बिगेनर, मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को आप बेसिक फ़र्क तो बता दीजिए कि शेयर्स और इसमें फ़र्क क्या है। तो आइए जानते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है। शेयर्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पूरा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, यहाँ पे आपको मार्जिन मनी देना पड़ता है विच इज़ अराउंड 15 to 50% ऑफ शेयर प्राइस। मतलब शेयर का प्राइस 100 रुपये रहेगा तो 15 रुपये से 50 रुपये तक प्रीमियम देके आप खरीद सकते हैं, तो आपको पूरा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैंने 100 रुपये अज्यूम किया प्राइस एंड शेयर्स का 500 शेयर्स मैंने खरीदे तो मेरे को 50,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन वही 500 शेयर का लॉट मेरे को मार्जिन मनी देके 7,500 रुपये देके मिल जाएगा। तो मेरे को अगर फ़ायदा होता है तो ये 7,500 में माइनस करूँगा तो नेट फ़ायदा होगा, नुकसान होता है तो फिर पूरा ही नुकसान होगा। तीनों पॉसिबिलिटीज मैंने आपको ऊपर बता दी। यहाँ पे शेयर ट्रेडिंग के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे चार्जेस कम होते हैं। कौन से चार्जेस अपन आगे डिस्कस करेंगे। देन शेयर्स में रिस्क बहुत कम रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, एफ एंड ओ में रिस्क सबसे ज़्यादा है। सो इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचे। अगर आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरा सजेशन है कि पहले आप शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस लो, अच्छी तरह से रिसर्च करो, नॉलेज गेन करो। एंजल ब्रोकिंग के ऐप पे बहुत सारा रिसर्च ऑलरेडी किया है, टीम उसके ऊपर काम कर रही है, तो उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाओ एंड रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करो। अपने को प्रॉपरली इन्वेस्ट करना है, अपने को अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है। सो टेक प्रॉपर अप्रोप्रिएट रिस्क, टेक डू सम कैलकुलेशन, टेक प्रॉपर नॉलेज एंड देन इन्वेस्ट। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेयर ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड आगे नए वीडियो के लिए वेट करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।